नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप एक खबर सुन रहे हैं कि पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को आईएमएफ का बाहरी सदस्य मनोनीत किया गया है। पूर्व में भी वो आईएमएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, रघुराम राजन जी की गिनती दुनिया के मुख्य अर्थशास्त्रियों के रूप में होती है। ऐसे में ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या उनकी कुंडली इस समय पर ऐसा कोई संकेत दे रही है कि वो अपने इस कार्यकाल में दुनिया को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमूल्य सहयोग दे पाएंगे। तो अगर हम बात करें उनकी कुंडली की, तो उनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है और वर्तमान में उन्हें शनि की महादशा चल रही है और शनि उनकी कुंडली में स्वराशि का होकर के दशम भाव में बैठा है। ऐसे में ये बात निश्चित है कि शनि की महादशा उनके लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन वहीं पर सूर्य भी दशम भाव में बैठा है जो कि उनकी कुंडली में पंचमेश भी है और सूर्य ने शनि को अस्त भी किया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि शनि की महादशा के अंदर शनि जो नेगेटिव रिजल्ट उनको दे सकता है उसमें कमी जरूर आएगी, क्योंकि सूर्य ने शनि को अस्त किया हुआ है जिसकी वजह से शनि के नेगेटिव रिजल्ट उन्हें कम जरूर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, 27 अप्रैल 2020 को उनकी कुंडली के अंदर शनि में सूर्य की अंतरदशा एक आरंभ हुई है और ये अंतरदशा निसंदेह उनको अपने करियर के अंदर एक ग्रोथ देने वाली है, क्योंकि पंचम भाव हमारा अनसर्टेन गेन का होता है और दशम भाव हमारे पराक्रम का, हमारे प्रोफेशन का भी होता है। ऐसे में आपको आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिले या तरक्की मिले, इसके संकेत इस कुंडली में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं और ये डेट भी बिल्कुल सटीक आती है, 27 अप्रैल 2020, यानी इसी दिन उनकी कुंडली के अंदर शनि के अंदर सूर्य की अंतरदशा आरंभ हुई है और सूर्य उनकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं जो पंचम भाव के मालिक है और जिन्होंने शनि को अस्त भी किया हुआ है, यानी एक नेगेटिव प्लेनेट को उन्होंने अस्त किया हुआ है। ऐसे में ये संभावना उनकी कुंडली में जरूर बनती थी कि उन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी इस समय पर मिले और ऐसा हुआ भी है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या ये जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है इसका निर्वहन वो कितना कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगले एक वर्ष तक ये अंतर सूर्य का उनको रहेगा और इस दौरान वो पूरी तरह से अपनी सेवाएं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह को बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे। साथ ही दोस्तों, उसके बाद उन्हें चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, वो भी उनके लिए अच्छी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहां जो उनकी एक नई पारी शुरू हुई है वो उनको बहुत अच्छी जाने वाली है और वो अपना योगदान पूरे विश्व के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यहां जरूर देंगे और उसका लाभ भारत को भी मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इम्पोर्ट की लागत को कम करना है, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाना है, जो विकास परियोजनाएं हमारी चल रही है उनको भी हमें कंटिन्यू करना है। ऐसे में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक साथ एक मंच पर अपने विचारों को साझा करना ये बहुत बड़ी अच्छी घटना है और इसका सामूहिक लाभ पूरे विश्व को मिलेगा और उसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि आईएमएफ अपने सदस्य देशों को इस तरह के सुझाव जरूर देता है जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर कर सके। इसके लिए रघुराम राजन जी की बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्ति निसंदेह यहां पर एक अच्छी घटना है और इसका लाभ हिंदुस्तान को भी मिलेगा और पूरे विश्व को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी गिनती एक मुख्य अर्थशास्त्रियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल वर्तमान का भी जो अभी आरंभ हुआ है और पूर्व के भी कार्यकाल उनके अर्थशास्त्र के रूप में बहुत अच्छे गए हैं, चाहे उनका रिजर्व बैंक के अंदर किया गया कार्य हो या इससे पूर्व आईएमएफ में दी हुई सेवाएं हो, ये सभी कार्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किए हैं और वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं। ऐसे में उनका एक कार्यकाल अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही संकेत दे रही है कि अगले एक वर्ष तक उनका ये जो कार्यकाल रहेगा सूर्य का प्रति अंतर का, वो उनको बहुत अच्छी उपलब्धि देने वाला है। तो अगले किसी वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।